कोई नहीं देख रहा है मुझे। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये फिर आ गई यहाँ। आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जी, क्या हुआ? डॉक्टर? ताई जी, क्या हुआ? ताई जी, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या हो गया? अच्छा, चप्पल वप्पल सुंघाओ कोई भैया। क्या चाचा जी? मम्मी, ये आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? देखा, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें मारना चाहती है। अब इससे पहले कि ये कुछ और हरकत करे, मैं इन्हें ले आके कमरे में बंद करूं। चलिए, आइए, मेरी मदद करिए। हाँ, ठीक। रहने दीजिए ना धैर्य सर, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई, समझने का हेरा फेरी हो सकता है ना। कुछ नहीं बोलोगी तुम, बीच में कुछ नहीं बोलो, हट जाओ यहाँ से। अब कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, उठाओ इन्हें। चलिए। हाँ हाँ, धैर्य सर, इस बार छोड़ दीजिए ना, आगे से नहीं करेंगे ये। अरे हमको छोड़ो, हमें काहे बांध रखा है? अरे शुक्र मनाइए कि सिर्फ बांध के रखा है भी आपको, वरना मेरी बीवी को जो मारने की कोशिश करेगा ना, उसे मैं चांस। पापा रुक जाइए और मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो तुम? इनके अंदर कोई था, मैंने उसे बाहर निकलते हुए देखा। देवऋषि, देवराज इंद्र के साथ क्या कर रहे हैं? राम ब्रह्मदेव, प्रणिपात ब्रह्मदेव। कृपा करके देव सभा में शांति बनाए रखे। देवराज इंद्र, आप अकस्मात यहां और अपनी संपूर्ण सेना के साथ। ब्रह्मदेव, इस सभा ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण स्वयं हमें यहां आना पड़ा। इस समय तो आप दोनों कारागार में बंदी बने हुए हैं, तो आप अपना प्रतिशोध कारागार में लेकर कैसे लेंगी देवी पौलमी?
आप कृपा कर इसे देवराज इंद्र तक पहुंचा दीजिए। बस इतनी सी बात है। ब्रह्मदेव, हमारी अनुपस्थिति में हमारी पत्नी पर इस प्रकार का अन्याय आप सब कैसे कर सकते हैं? देवी पॉलोमी ने कुछ अनुचित नहीं किया, उन्होंने तो अपने गुण धर्म का पालन किया, और अपने धर्म का पालन करना कोई अपराध नहीं है। ब्रह्मदेव, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल ही देवी पॉलोमी को कार्यग्रह से मुक्त किया जाए। यस यस यस। वैसे रुद्राक्षी बेटा, कल तुम क्या नाचे बेटा, वाह मजा आ गया, लोग तो बस देखते रह गए। हाँ वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा नचाया तो हमने था, है नहीं माधुरी, जब हम बाबा बने थे, है? अरे अरे बाबूजी आपको तो याद होगा ना, जब हम बंगाली बाबा बने थे तो यहाँ आए थे ना, याद होगा ना, घर पर आए थे, यहाँ आए थे, वहाँ बैठे, यस यस याद है। अरे इतना नचाया, रेडियो बाबा, हाँ याद है आपको, हाँ रेडियो बाबा बनकर ऐसा नचाए थे, ऐसा नचाए थे, ऐसा नचाए थे कि लोगों का मतलब हमारा आशीर्वाद कम पड़ गया था, लोगों की लाइन ज्यादा हो गई थी, ऐसा क्या बात है। अरे बाबू जी, हम आपको कहा बताएं, इन पे तो इतना पागलपन सवार था ना कि इनको देखा देखी इनके सारे के सारे भक्त पगला गए थे बिल्कुल। पापा, इतने दिनों से आप कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आप कहीं घूमने जाओ? नॉट अ बैड आइडिया। अगर बाहर ही घूमने जाना है तो सब लोग साथ चलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। हम चलेंगे ना अमेरिका। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई बेटा, तुमको एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त अकेले तो बिताना चाहिए। प्रिय, हम हैं देवराज इंद्र। प्रणाम देवेश। देवी, हम इंद्र महल पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि आपको यहां बंदी बना दिया गया, ऐसा क्या हुआ देवी? देवेश, इन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो इसलिए मैं इन्हें देवलोक के सबसे कठोर कारागृह में भेजता हूं। असुरराज, असुर कन्या होने का दंड हमें पुनः मिल गया, अब हम क्या करें? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। असुरराज और देवी पॉलोमी देव सेना से युद्ध में पराजित भी हुई है, इसलिए असुरराज और देवी पॉलोमी अनिश्चित काल के लिए कारागृह में डाला जाता है। अब आप ही बताएं देवेश, हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतना कठोर दंड दिया गया? सही मौका है कृष्णा, जाओ जाकर बॉल वहां फेंको और यहाँ मैं काम शुरू कर देती हूँ। बोलिया कहाँ से आ गई? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर खेल लेती हूँ।